गरीब दलित जब आगे बढ़ता है तो समाज का एक तबका उनको नक्सली कहता है। गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़ने जाता है तो वही तबका उनको आतंकवादी कहता है। ऐसे तबके के लोगों से आग्रह है कि अपनी विकृत मानसिकता से बाहर निकलिए, ये राष्ट्रहित के लिए खतरनाक है। बांका की घटना की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उच्च स्तरीय जांच की मांग करता है। चाहिए कोई कमी कुछ कही है तो उसको दूर किया जाए। सर एक सवाल और है, सर बिल्कुल ऑल है, इसमें क्या दिक्कत है? कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात मांझी कर रहे हैं और पिछली दफे जब महागठबंधन में उन्होंने किया तो पाला बदल दिया, कैसे देखते हैं इसको सर? नहीं देखिए, हर बात को हमेशा उठाने की जरूरत नहीं है, अब अभी इस सवाल का कोई मतलब नहीं। कुशवाहा जी एक सवाल है काफी महत्वपूर्ण कि जिस तरीके से बिहार में कुछ घटनाएं घटी उन घटनाओं पर बीजेपी के लोगों ने मुखर, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष ने मुखर होकर के कहा, आरोप लगाया कि मुसलमानों के द्वारा दलितों को परेशान किया जा रहा है बीजेपी के। देखिए हम सामान्य तौर पे हम गठबंधन धर्म का पालन करते हुए सब लोगों से अपेक्षा रखते हैं, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी हों या हमारी पार्टी के कोई नेता हों या कोई भी। ऐसा कोई सवाल मन में अगर आए तो इंटरनल फोरम पर सवालों को उठाना चाहिए। सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, सरकार अकेले बीजेपी की नहीं है, और भी पार्टी है जेडीयू बीजेपी के अलावा, सब लोगों को मिलाकर सरकार है। तो कहीं कुछ कमी है उसको दूर करने की जवाबदेही सबकी है, इसलिए ऐसे सवालों को सार्वजनिक रूप से मीडिया के मंच पर या कहीं और उठाने के बजाय बेहतर यही होगा कि अंदर इंटरनल मीटिंग्स में मिलकर बातचीत करके ऐसे सवालों को उठाएं, बाहर ना उठाएं, सब लोगों से मांगी जी इसी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं। देखिए अब हमने कहा कि हर बात की जरूरत हमेशा नहीं होती, इसलिए उस पर अभी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग करेंगे आगे जब ऐसी। अरे भैया आगे का सवाल आगे, जवाब भी आगे, अभी देखिए हमने बार बार कहा विशेष राज का दर्जा मिले बिहार को। राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार शुरू से कह रहे हैं कि बिहार की जो एनडीए हुकूमत है ये जनता में अपनी विश्वास खो दिया है। जनता में विश्वास ही नहीं खोया है, गठबंधन दलों के बीच भी विश्वास इन लोगों ने खो दिया है। अब नेतृत्व पर किसी को भरोसा नहीं है क्योंकि ये नेतृत्व बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया है। नीति आयोग की रिपोर्ट चेहरे देखने के लिए काफी है कि कितना विकास पुरुष है ये। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग हो रही है, बिहार को रसातल में ढकेल कर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं लोग। हर एक दूसरा घटक दल एक दूसरे को डिच कर रही है, कोई किसी को उंगली काट रहा है तो कोई हाथ काटने की धमकी दे रहा है। तो ये सरकार नहीं चल रही है, ये खानापूर्ति है, ये बेमेल गठबंधन है। इस गठबंधन का बेड़ा गर्क होना ही होना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और नीतीश कुमार जी ने अपनी सामाजिक न्याय, अपना लोकतांत्रिक लोकलाज सबको तिलांगी दे दी है, सब कुछ भाजपा और आरएसएस के हाथ में गिरवी रख दी है। एनडीए एक है और बिहार के एनडीए में चार दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हम, और एनडीए एकजुटता से बहुत अच्छा से बिहार में काम कर रहा है। कोरोना संक्रमण के महामारी से हम जो है निजात पाए हैं और बहुत जल्द जो है हम विकास की ओर गति पकड़ रहे हैं। एनडीए एक है, एनडीए में अगर कोई तरह का दिक्कत है तो उसका एक उचित फोरम बना हुआ है, आपस में बड़े लोग बैठ करके बात कर लेते हैं, टीवी रेडियो के माध्यम से हम लोग नहीं जाते हैं। जहाँ तक बात है, सरकार बहुत सहजता से और सुलभता से बिहार में काम कर रही है और जनता की सेवा में हर कदम से कदम मिला करके चल रही है। ये गठबंधन एक है, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हम पार्टी हैं और इसमें एकता बनी हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी बात होता है वो प्रेस मीडिया के माध्यम से नहीं होता है, इनके आपस में नेताओं आपस में बैठ करके बात कर लेते हैं, बड़े नेताओं की बात है। और ये
एनडीए एक है, सरकार बहुत अच्छा से चल रहा है, सहजता से चल रहा है, इसमें कोई विवाद नहीं है। बिहार में एनडीए एक है, एनडीए में किसी तरह का कोई तरह का विवाद नहीं चल रहा है, एनडीए बहुत अच्छा से बिहार में सरकार चला रहे हैं और हमारे मुखिया श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में बहुत अच्छी तरह से सरकार चल रही है। हम लोग कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन को अभी जस्ट खत्म किए हैं, कोरोना संक्रमण से निजात पा करके बिहार फिर जो है अपन पुनः स्थिति में लौटने जा रही है, विकास के काम चालू हो रहे हैं और हम जो है संगठित होकर के काम कर रहे हैं। जहां तक बात है, अगर किसी तरह का कोई बात है तो उसको जो है हम उचित फोरम पर बड़े नेताओं आपस में बैठ करके बात करते हैं, हम लोग टीवी रेडियो के माध्यम से नहीं जाते हैं। बिहार एनडीए में कोई तरह का मतभेद नहीं है।